अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन लोगों ने नवरात्र में कुछ भी नहीं कर पाए, काम करते हैं, वर्किंग है, नहीं मिला पूजा का टाइम, तो आप 1 से लेकर 9 नंबर अपने नंबर के हिसाब से कल किस चीज़ का भोग लगाएं, किस चीज़ को डोनेट करें, किस चीज़ को गरीबों को बांटें, ताकि आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिले। तो नंबर 1 लोग वाले जो लोग हैं, ये माँ को मालपुए का भोग लगाएं। नंबर 2 वाले लोग माँ को खीर का भोग लगाएं। नंबर 3 वाले लोग माँ को खोए की किसी चीज़ का, जैसे बर्फ़ी का भोग लगाएं। नंबर 4 वाले लोग माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं और कोई भी रेड फ्रूट चढ़ाएं। नंबर 5 वाले लोग माँ के सामने नींबू रखें और दिया जलाएं, ताकि आपकी लाइफ की नेगेटिविटी दूर हो। नंबर 6 वाले लोग माँ को फ्राइड मिठाई, जैसे बूंदी हो गई, जिलेबी हो गई, ऐसे इमरती हो गई, इसका भोग लगाएं। नंबर 7 वाले लोग माँ को गूगल की धुनी अर्पित करें और मखाने का भोग लगाएं। नंबर 8 वाले लोग माँ को शहद का भोग लगाएं। और नंबर 9 वाले लोग माँ को श्रृंगार के सामान के साथ साथ येलो फ्रूट का भोग लगाएं। आपको पता है रामनवमी भी कल है, यानी कि कल राम जी का जन्म हुआ, तो मैं आपको राम भगवान की कृपा दिलाने वाली बात करूंगी, लेकिन साथ ही आज आपको कल की पूजा विधि भी बता दूंगी। कल सुबह 11:10 से लेकर दोपहर 1:32 तक पूजा कर लेनी है। अब पूजा की विधि क्या है ये जान लीजिए। रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाएं, भगवान राम की तस्वीर को गंगा जल से पवित्र कर नदी के जल से पोंछें, फिर इस पर कुमकुम, हल्दी, चंदन का तिलक लगाएं, फिर भगवान राम की फूल उनको अर्पित करें, फिर भगवान राम की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती, धूप, इस सब से माहौल सुगंधित हो जाएगा। रामनवमी के दिन भगवान राम को खीर या ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं। भगवान राम की पूजा करते वक्त राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, राम मंत्र सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान राम की पूजा करने के बाद भोग के रूप में भोजन की थाली लगाएं। रामनवमी के दिन गरीबों को, जो लोग कुछ हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं सकते, उन्हें दान करें। रामनवमी के दिन अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। रामनवमी के दिन पास के किसी राम मंदिर में जाकर दिया जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं। पूजा के बाद ये सारी चीज़ें आपको गरीबों में बांट देनी है। दुनिया में फैमिली से बढ़कर कोई और सुख नहीं होता। इंसान थक हार कर, परेशान होकर अपनी सारी समस्याएं हमेशा अपने परिवार के पास रखता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि कई बार आपसी तालमेल बेहतर होने के बाद भी घर में कलह रहती है, कलेश रहते हैं। घर में रोजाना हो रहे इन झगड़ों की वजह कई बार कुछ चीज़ें, रिश्ते, घर टूट भी जाते हैं। आपको कुछ बेहद आसान उपाय बता रही हूँ, जिसकी मदद से आपके घर में कलह का माहौल खत्म होगा। जब घर में आप कपूर को गाय के घी में डिप कर लगाते हैं, तो इस उपाय से घर के कलेश दूर होते हैं, घर में शांति आती है। आप चाहें तो हफ्ते में किसी एक दिन कपूर जलाकर उसका धुआं करें, घर के सारे कलेश खत्म होते हैं, नेगेटिविटी खत्म होती है। ट्यूसडे के दिन हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीप प्रज्वलित करें और अष्टगंध जलाकर उसमें सुगंध, उसकी जो खुशबू है, पूरे घर में फैलाएं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। कला से निपटने के लिए केसर के उपाय भी बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। इसके लिए चुटकी भर केसर को पानी में मिलाकर नहाएं। नहाने के बाद पूजा पाठ करें, फिर केसर का तिलक लगाएं। केसर वाला दूध पीने से भी घर में शांति आती है, जुपिटर स्ट्रांग होता है। नमक का उपाय भी घर में कलह और कलेश को दूर करता है। इसके लिए घर में पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक मिलाएं और इससे पूरे घर में पोछा लगाएं। ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है और वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है। जिन घरों में हमेशा कलह और कलेश होता है, वहाँ सुख शांति के लिए महीने में एक बार सत्यनारायण की कथा करवाएं, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।